नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांश जैन और पिछले दो वीडियो में हमने जो MPPSC के 2016 में हुए 15 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ पेपर के GS सेक्शन को डिस्कस किया था पिछले दो, जिसके पार्ट दो पार्ट हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। आज हम 15 सितंबर को हुए पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 2 से 5, उसके GS सेक्शन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। निम्न संघ सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रेलवे सर्विस, नेवल, नौसेना, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ट्रेवल यात्रा। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो रेलवे सेवा जो डेफिनेटली यूनियन लिस्ट में है, और नौसेना तो ये भी यूनियन लिस्ट में ही है, और एटॉमिक एनर्जी तो ये भी यूनियन लिस्ट में है। तो इसका सही आंसर है ट्रेवल यात्रा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं लिस्ट के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने तीन टाइप जो सब्जेक्ट्स हैं उनका तीन टाइप से डिवीजन किया है। एक है यूनियन के लिए, इसकी स्टेट के लिए, और एक और है दोनों के लिए। तो इस तरीके से तीन लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट है उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल एक्ट बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और इसके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन जो सेंटर का कानून होगा वो उसके ऊपर प्रिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते उन्हें हम रेसिड्यू सब्जेक्ट कहते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेवन्थ शेड्यूल में इन तीनों लिस्टों का वर्णन है, और उस तीनों लिस्टों का वर्णन है, और उसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आते हैं, और आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 भी इससे डील्स करता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इन द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। निम्न को मिलाएं और नीचे दिए गए कोडों को सही उत्तर का चयन करें। पहला है सिक्किम, जिसके सामने दिया गया है अगरतला। दूसरा है राजस्थान, जिसके आगे दिया है इम्फाल। तीसरा है मणिपुर, जिसके आगे जयपुर। चौथा है त्रिपुरा, जिसके आगे दिया है गंगटोक। तो ये स्टेट का नाम दिए गए हैं और उनके आगे हमें उनकी कैपिटल के साथ उनका मिलान करना है। तो जैसे कि हम देखें तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, या हमें ये भी ना पता हो तो राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, तो जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, तो इसके आधार पर देखें तो हमारा पहला और चौथा ऑप्शन अट जाता है, जिसके बाद हमारा सही आंसर बचते हैं दो, बी और सी। इसके बाद हम देखते हैं सिक्किम, तो सिक्किम गंगटोक है फर्स्ट का डी, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजिंग है, आपको पता होना ज़रूरी है इसके आधार पर, तो इसमें दिया गया है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, पहले का डी यानी कि सिक्किम का गंगटोक, दूसरे का राजस्थान जयपुर, तीसरे का मणिपुर इम्फाल, और चौथे का त्रिपुरा अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्मॉल एरो और द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप इज कॉल्ड, यानी कि छोटा सा बाण या कंप्यूटर स्क्रीन पर झपकता हुआ प्रतीक कहलाता है। ऑप्शन है माउस, अगला ऑप्शन है टैब, अगला है कर्जर, और अगला है प्रतिमा। तो जो हम जब इस कंप्यूटर ऑन चलाते हैं तो उसके जो कर्जर जो मूव करता है, जो उसमें जो एरो दिखाई देता है जो मूव करता है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कर्जर के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर है कर्जर। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड इन अ डेटाबेस इज, एक डेटाबेस में फील्ड है टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, अगला है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना की श्रेणी, और अगला है रिकॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो फील्ड होता है जो डेटाबेस में, जो इन अ डेटाबेस टेबल अ फील्ड इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा, फील्ड्स आर ऑर्गेनाइज इनटू रिकॉर्ड्स व्हिच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विद इन द टेबल रिलेवेंट टू द स्पेसिफिक एंटिटी। तो जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो एक फील्ड होती है तो उसमें सिर्फ एक ही सिंगल पीस ऑफ डेटा को भरा जाता है, मतलब जो एक कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, मतलब इसके अंदर जो ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो रिलेवेंट होती है स्पेसिफिक एंटिटी के कारण। तो जिसमें फील्ड होती है उसे हम कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द
blank, फिर ऑफ द ब्लैंक डिटरमाइंस द एन एक्सप्रेशन स्टेटस एज एन ब्लैंक और एन ब्लैंक। तो इसके में इसका हम थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दें, तो द डिफरेंस इन द, इसका जो सही ऑप्शन है जिसका आंसर है वो है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस एन एक्सप्रेशन स्टेटस एज एन आइडेंटिटी और एन इक्वेशन। तो इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी और इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो इन सब से मिलकर एक एक्सप्रेशन बना होता है। तो जब ऐसी एक्सप्रेशन जिसके और फॉर जिसमें एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखें तब भी हमारा जो स्टेटस वो जो इक्वेशन है वो दोनों तब जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बराबर प्रूफ हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है। मतलब वो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए वो तो एक्सप्रेशन या इक्वेशन, तो हम उसे आइडेंटिटी कहते हैं। और जब वो या अगर कोई ऐसी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन है जो सिर्फ जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई हो तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सभी आइडेंटिटीज़ हैं वो इक्वेशन होती हैं, लेकिन सभी इक्वेशन आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं। तो इसके आधार पर जो सही आंसर है वो इसका यही होगा कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइंस एन एक्सप्रेशन स्टेटस एज एन आइडेंटिटी और एन इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ अ सिद्धिविनायक टेम्पल लोकेटेड, सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ स्थित है। अगला ऑप्शन है कर्नाटका, अगला महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा एंड फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका काफ़ी फेमस टेंपल है सिद्धिविनायक टेंपल जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन साल्ट इज़ अ मिनरल कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, साधारण नमक मुख्य रूप से तो इसे बना एक खनिज है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड है, NaCl, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द रेड पांडा विंटर फेस्टिवल इन 2016। किस निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2016 में लाल पांडा शीतकालीन महोत्सव बनाया। तो ऑप्शन है नागालैंड, अगला मेघालय, असम एंड सिक्किम। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसमें जो आंसर सीट दी गई है MP गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इसका आंसर असम दिया गया है, जबकि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें इसका सही आंसर सिक्किम बताया जा रहा है। तो जो रेड पांडा विंटर फेस्टिवल 2016 में हुआ था वो सिक्किम में हुआ था, जो शुरुआत इसकी 23 जनवरी को हुई थी और जो 31 जनवरी को ख़त्म हुआ था। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जो रेड पांडा विंटर फेस्टिवल होता है 9 दिन का कल्चर पूरा एक इवेंट होता है जिसमें कल्चर, फूड, हारमोनी और सेलिब्रेशन से पूरी तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो इस ऑप्शन दिए गए हैं तिरुवनंतपुरम, मुंबई, श्री हरिकोटा, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है वह तिरुवनंतपुरम। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो बेंगलुरु में है जिसका हेडक्वार्टर, और इंडिया का जो मेन स्पेस पोर्ट है वो है श्री हरिकोटा में, जिसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। तो हम इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो ये एक मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो का एक मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है जो किस पे फोकस करता है, जो इंडिया का जो सैटेलाइट प्रोग्राम होता है तो उसके रॉकेट और स्पेस व्हीकल पे ये फोकस करता है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम जो केरला में स्थित है। इसके अलावा हम इसरो के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो क्या है, एक इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी एक स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और मेनली उसका विजन भी एम वही है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है हम उसका इस्तेमाल करके जो नेशन का डेवलपमेंट, हमारे नेशन में डेवलपमेंट करें, इसके अलावा जो स्पेस साइंस की रिसर्च है स्पेस साइंस रिसर्च कर सकें और प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन कर सकें। और जो हमारा प्राइमरी स्पेस पोर्ट है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
वेयर इज़ द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया, भारत में घुड़खर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर है, इसका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो जो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है, जिसे हमने वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से ही जाना जाता है, वो जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, उस पर वहाँ पर स्थित है। और करीब ये 4,954 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला गया है। तो इस तरीके से जो भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा हम थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लेते हैं। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ है, जिसे हम जो लोकल लैंग्वेज है उसे उसमें घुड़कर भी कहते हैं, और जो औरंगर जो स्पीसीज है उसकी सब स्पीसीज है, और जो घुड़कर है वो साउथर्न एशिया में पाया जाता है। और IUCN की लिस्ट में ये नियर थ्रेटन्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा सेलिब्रेटेड? निम्न में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो अगर हम मैसूर दशहरा के नाम पर ध्यान दें तो मैसूर दशहरा, तो इसके आधार पर हम इसका आंसर कर्नाटका दे सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जो मैसूर दशहरा होता है, जिसे हम नादा हब्बा के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका मतलब वहाँ की लैंग्वेज में स्टेट फेस्टिवल होता है। कर्नाटक का ये स्टेट फेस्टिवल है, ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है और विजयदशमी के दिन ख़त्म होता है। और जो 9 दिन नवरात्रि चलती है, और जो उसके 10वें दिन जब विजयदशमी आती है, तो उस दिन ये काफ़ी मनाया जाता है। और दशहरा ज़्यादा मोस्टली सेप्टेम्बर या अक्टूबर में पड़ता है, उसी दौरान ये वहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। उसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो ये वाला क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कशन है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको आपने नहीं किया तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमेरिकन सिटी इज़ द व्हाइट हाउस लोकेटेड? अमेरिका में कौन से शहर में व्हाइट हाउस स्थित है? ऑप्शन है बोस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो ये जो वहाँ की अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, तो उसी राज्य में ये स्थित है, उसी शहर में। DNA द फुल फॉर्म ऑफ विच इज ब्लैंक इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरियज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो DNA, तो DNA की ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो DNA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है deoxyribonucleic acid। तो जो पहला ऑप्शन था deoxynucleic acid, तो वो गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है हमारा deoxyribonucleic acid। अब तीसरा ऑप्शन है वो detoxified nucleic acid, जो गलत है, और dinucleic acid भी गलत है। इसके बारे में वैसे इसमें DNA में इस क्वेश्चन में पूरी जानकारी दी गई है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है, वो इसमें छुपे होते हैं DNA में। और आजकल जो जेनेटिक मॉडिफाइड का काफ़ी उससे चल रहा है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है तो उसमें DNA को एडिटिंग किया जाता है। तो उसमें एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है CRISPR-Cas9, तो एक जो जीनोम एडिटिंग टूल है, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, चीपर है, मोर एक्यूरेट है DNA को एडिटिंग करने के लिए। और इसके काफ़ी ज़्यादा इसके जो एप्लीकेशन में काफ़ी वाइड रेंज इसकी संभव है। इसमें क्या होता है, जो Cas9 होता है वो एक एंजाइम होता है जो जाके जो DNA की एडिटिंग कर, जो जाके जहाँ पे DNA के जिस पार्ट को हटाना है वो Cas9 एंजाइम के थ्रू हम वहाँ पे से डिलीट कर देते हैं, और जो नया जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है वहाँ पे हम वो भर सकते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। विच इंडियन हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट टेस्ट सेंचुरी इन द कैलेंडर ईयर? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाए हैं? तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, BVS लक्ष्मण एंड विराट कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर जी ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाए हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि MP के एग्जामों में जो स्पोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और स्पोर्ट में भी जो क्रिकेट होता है वो उनका मेन फोकस रहता है, तो इसलिए आप क्रिकेट पे काफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चनों पर काफ़ी ध्यान दें दिया करें और उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। विच प्लेयर इज अलाउड टू टच द बॉल विथ हिज फीट ड्यूरिंग अ हॉकी मैच? हॉकी मैच के दौरान अपने पैर से गेंद को छूने की अनुमति किस खिलाड़ी को दी जाती है? ऑप्शन है कैप्टन,
अगला ऑप्शन है गोलकीपर, अगला है सेंटर फॉरवर्ड और अगला है डिफेंडर। तो इसका सही आंसर काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गोलकीपर। इसका आंसर गोलकीपर। अगेंस्ट विच कंट्री डिड जर्मनी विन द 2045 फीफा वर्ल्ड कप, किस देश के विरुद्ध जर्मनी ने 2014 का फीफा विश्व कप जीता था। ऑप्शन है स्पेन, अगला है अर्जेंटीना, अगला है नीदरलैंड, अगला है इटली। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। तो जो फाइनल मैच हुआ था वो अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच में हुआ था और जिसको जर्मनी ने जीत लिया था। तो जो फीफा वर्ल्ड कप होता है जिसे हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के नाम से भी जानते हैं, तो एक मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है और ये फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है। और कभी कभी ये स्पोर्ट में पूछ लेते हैं कि जो कहाँ पे होने वाला है, तो जो इसके बारे में देख लेते हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2018 का वो रूस में होने वाला है, 2022 का कतर में होने वाला है और 2014 का जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें जर्मनी जर्मनी विनर रही है। मेरे को लगता है एक क्वेश्चन छूट गया मेरे से, सॉरी। हम टेक्निकल नॉकआउट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन था तो उसमें जो टेक्निकल नॉकआउट के बारे में बताया गया है, तो टेक्निकल नॉकआउट का मतलब क्या होता है कि द एंडिंग ऑफ अ फाइट बाय द रेफरी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कंटेस्टेंट इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द अपोनेंट्स बीइंग डिक्लेयर्ड द विनर। मतलब जो बॉक्सिंग में यूज़ होता है टेक्निकल नॉकआउट वर्ड, तो जब होता क्या है कि जब एक खिलाड़ी इतना ज़्यादा हार जाए, मतलब इतना ज़्यादा उसकी इनएबिलिटी हो जाए कि वो अब फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो जो रेफरी होता है वो जो अपोनेंट विनर से विनर डिक्लेयर कर देता है, तो जिसे हम टेक्निकल नॉकआउट कहते हैं बॉक्सिंग के खेल में। अगला क्वेश्चन है द ICC वर्ल्ड कप 2019 विल बी होस्टेड बाय। तो जो ICC विश्व कप 2019 द्वारा आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन है इंग्लैंड, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेल्स, अगला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड और वेल्स। तो जो 2019 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, और इसके अलावा जो 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, और 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, निम्न में से किस में मौसमी बेरोजगारी है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इनमें तो हो ही नहीं सकती, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बैंक्स में भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो कटाई और बुवाई का समय होता है वहाँ पर, उस समय काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जो उसकी जो दौरान जो और जो और समय बसता है उसमें उसमें कम कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय एक अनएम्प्लॉयमेंट जल्दी हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो जो एन एलिवेटेड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑकर एट अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईयर, मतलब एक जो एलिवेटेड लेवल मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का एकदम लेवल बढ़ जाना जो एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर के इस पार्ट में होगा। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि एम्यूसेंट पार्क में एक्सपीरियंस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स बिकॉज लेस पीपल विल विजिट द पार्क ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो एम्यूसमेंट पार्क होते हैं उनमें जो समर का सीजन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, तो उसमें उस समय एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। उसके अलावा जो विंटर है वहाँ पे विजिटर्स की संख्या कम हो जाती है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट फिर एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, तो जिससे वहाँ पे एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय। तो रुपया का दर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन है SBI, अगला ऑप्शन है SEBI, अगला है RBI और अगला है केंद्र सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है RBI के द्वारा तय करी जाती है रेपो रेट। तो हम रेपो रेट के बारे में देख लेते हैं, तो जो सभी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनका निर्माण उनके बारे में जो फैसला देती है वो RBI निर्धारित करती है। और रेपो रेट के बारे में देख लेते हैं, तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स टू इट्स क्लाइंट्स जनरली अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि जो बैंक वगैरह होते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जब वो RBI से जो लोन लेते हैं तो उस पर जो रेट जिस रेट पर लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और जब RBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द शेयर मार्केट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है फीरा, अगला ऑप्शन है MRTP और अगला है फीमा और अगला है सेवी, जिसका सही आंसर है सेवी। सेवी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988 एंड गिवन स्टेट्यूटरी पावर ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेवी एक्ट 1992। तो जो सेवी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो जो इंडिया में जो सारी सिक्योरिटीज मार्केट है उनका रेगुलेटर है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जिसे पावर सेवी एक्ट 1992 के तहत मिली थी 30 जनवरी 1992 को। तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और जो अभी इसकी जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर, अगला है ओडोमीटर पथमापी, अगला है हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी और अगला है हाइड्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ओडोमीटर पथमापी। हम इसके बारे में जो सभी ऑप्शन हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का मतलब होता है स्पीडोमीटर और स्पीड मीटर इज अ गॉज दैट मेजर्स एंड डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। यानी कि स्पीडोमीटर क्या करता है, जो क्विक मतलब क्विक में जो हाल की जो प्रेजेंट में जो स्पीड चल रही है व्हीकल की वो हमें डिस्प्ले करता है और मेजर भी करता है इसके साथ साथ स्पीडोमीटर। ओडोमीटर हमें पता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील्ड व्हीकल। तो जो व्हील्ड व्हीकल है उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। हाइड्रोमीटर या जिसे हम एरोमीटर के नाम से भी जाते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो जो रेशो होता है लिक्विड जो उसकी डेंसिटी होती है लिक्विड की और जो डेंसिटी ऑफ वाटर की, उन दोनों का रेशो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक जो डेंसिटी है लिक्विड की वो और जो डेंसिटी ऑफ वाटर उन दोनों का रेशो होता है। हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। तो जो आर्द्रता होती है वातावरण में यानी कि जो वाटर वेपर है उसको मापने का एक यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, जिसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। जो वाटर वेपर होता है एटमोसफेयर में उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड मीन्स, आंतरिक व्यापार का मतलब है। ऑप्शन है आयात इंपोर्ट, अगला ऑप्शन है निर्यात एक्सपोर्ट और अगला ऑप्शन है देश के अंदर व्यापार ट्रेड विथ इन द कंट्री एंड अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जिसका सही आंसर है वो है ट्रेड विथ इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर व्यापार को ही हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और जब एक देश से दूसरे देश में जब कोई चीज़ भेजी जाती है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और जब किसी दूसरे देश से अपने देश में चीज़ मंगाई जाती है तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्हेन सोप डिसॉल्व्स इन वाटर मिसल्स आर फॉर्म्ड, दे आर केमिकली। जब साबुन पानी में घुलता है तो मिसल्स बनते हैं, वे रासायनिक रूप से होते हैं। ऑप्शन दिया गया है सोडियम और पोटेशियम स्टेरेट, अगला ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट, अगला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ स्टेरेट आयन्स यानी कि स्टेरेट आयनों का संग्रह और अगला ऑप्शन है स्टेरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है कलेक्शन ऑफ स्टेरेट आयन। तो इसके बारे में हम मिसल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मिसल्स क्या होते हैं, एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कोलोइडियल सॉल्यूशन सच एज दोज फॉर्म्ड बाय डिटर्जेंट। तो जो कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो मिसल्स होते हैं वो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका एक एग्रीगेट बन जाते हैं। मतलब जब काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ के एक मिसल्स बना लेते हैं कोलोइडियल सॉल्यूशन में। कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है कि जो जिसे मतलब सॉल्यूशन विच इज़ मटीरियल, मतलब जिसमें ऐसा लिक्विड जिसमें जो किसी चीज़ को मिलाया है तो वो इवनली सस्पेंडेड हो जाए यानी कि बिल्कुल एक सा घुल मिल जाए, उसमें अलग उसमें डिफ्रेंशिएट करना संभव ना हो सके, तो उसे हम कोलोइडियल सॉल्यूशन कहते हैं।
सॉरी, वो इसका क्वेश्चन रह गया है। इसका का जो क्वेश्चन था उसमें जो पूछा गया था कि इसमें चार महिलाओं के नाम दिए गए थे और इनमें पूछे गए थे इनमें से क्या विन है, तो जो पहला वाला ऑप्शन था वो था मीरा कुमार का। अगले जो ऑप्शंस थे वो महिलाओं के नाम थे जो किसी न किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उसके आधार पे जो मीरा कुमार था उनको अलग किया गया है। तो जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर था मीरा कुमार, जो लोकसभा की फॉर्मर स्पीकर रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, निम्न में से प्रतिध्वनिक परासन यंत्र कौन सा है। अगला ऑप्शन दिए गए हैं लेजर, सोनार, मैसर, जीपीएस। तो जो सोनार होता है इसका सही आंसर है सोनार। सोनार जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें इको रेंजिंग का यूज़ किया जाता है। तो हम थोड़ा सोनार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर सच एज अदर वेसल्स टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले हम सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो सोनार एक टेक्निक्स है जिसमें साउंड प्रोपोगेशन को यूज़ किया जाता है टू नेविगेट, यानी कि नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और किसी ऑब्जेक्ट को डिटेच करने के लिए। और इसका उपयोग हम सरफेस जो मतलब अंडर द सरफेस ऑफ वाटर यानी कि पानी की सतह से नीचे करते हैं इस सोनार टेक्निक्स का यूज़। तो जिसमें दो टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं सोनार में, दो टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसे जिसमें सोनार इस टेक्निक में, तो पैसिव सोनार और एक्टिव सोनार। तो पैसिव सोनार यानी कि जो इस यूज़ किया जाता है फॉर लिसनिंग द साउंड वेव्स बाय बेसल, यानी कि जो बेसल है उसके द्वारा जो साउंड वेव्स बनाई जा रही हैं उन्हें लिसनिंग करने के लिए। और जो एक्टिव सोनार होता है उसका इस्तेमाल जो इमिटिंग मतलब जो साउंड वेव्स यानी कि जो साउंड छोड़े गए हैं उनको इमिटिंग करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए, और इसके अलावा जो इकोज जो लौट के आ रहा है उसे लिसनिंग करने के लिए। तो इसमें जो सोनार्स टेक्निक्स के थ्रू जिसमें जो यूज़ किया जाता है तो उसे हम एकोस्टिक लोकेशन कहते हैं। एकोस्टिक लोकेशन जब रडार सिस्टम जब तैयार नहीं हुआ था तो एकोस्टिक लोकेशन के यूज़ एयरक्राफ्ट में भी किया जाता था। तो एकोस्टिक लोकेशन एक टाइप से साइंस होती है जिसमें हम साउंड का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि जो रिफ्लेक्टर है वो सोर्स से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। एक्चुअली होता क्या है कि सोनार वेव का इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक सोर्स है वहाँ से सोनार जब साउंड वेव्स छोड़ी गई तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वहाँ से लौट के आती है वो होता है इको। तो जब वो इको जहाँ सोर्स तक पहुँचता है तो उस इको को लिसन किया जाता है और उनसे पता लगाया जाता है कि ये कितनी दूरी से और किस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके आई हैं। तो इसी को हम सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये हमारे वाटर वेसल्स में यूज़ की जाती हैं, काफ़ी जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके लिए काफ़ी मददगार टेक्निक है सोनार। और इसके अलावा जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो भी सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इसके अलावा हम लेज़र्स के बारे में देख लेते हैं। तो लेज़र एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट्स को इमिट करती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आप लेज़र के शब्द पे लेज़र की फुल फॉर्म पे भी ध्यान देंगे तो लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लेज़र एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टिमुलेटेड इमिशन करते हुए उनका ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन की सहायता से जो लाइट को इमिट करती है उसे हम लेज़र्स कहते हैं, लेज़र डिवाइस कहते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जब जैसे जो सनलाइट होती है, जो लाइट्स होती है वो चार अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, लेकिन जो लेज़र्स होती है, जो लेज़र्स के द्वारा जो लाइट जो प्रोड्यूस की जाती है वो लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है और उस लाइट की वेवलेंथ सेम रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी तकनीक है लेज़र, इसके द्वारा काफ़ी चीज़ संभव हो पाई है। मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल इज फॉर एडेप्टेशन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। निम्न में से जानवरों की कौन सी विशेषताएं उस कटिबंधीय वर्षा वनों के अनुकूलन के लिए है। यानी कि पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बारिश भी काफ़ी होती है, और तो इस तरीके से देखा जाए तो
वाइड एंड लार्ज पॉज थे, इनकी चौड़े और बड़े पंजे, तो इनका कोई खास रिलेशन दिखता नहीं है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। अगला है द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे बसा की परत, तो ये ठंडे इलाकों के जानवरों के लिए काफ़ी काफ़ी वो है। और फिर है वाइट फर, सफ़ेद फर, तो ये भी ठंडे इलाकों के जानवरों के लिए। और लॉन्ग एंड द लार्ज बेक, लंबी और बड़ी चोंच, तो इनकी चोंच ये काफ़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बारिश के कारण काफ़ी काफ़ी पानी भरा होने के कारण जो उनकी चोंच और लंबी और बड़ी होने से उनको जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट, निम्न व्यक्तियों में से कौन वास्तुकार नहीं है। पहला है चार्ल्स कुरिया, दूसरा है बीवी दोसी, अगला है राज रेवाल और आई के गुजराल। तो इसका आंसर ये है आई के गुजराल, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसके आधार पर हम आंसर काफ़ी इसका आंसर देना काफ़ी आसान है कि आर के गुजराल आर्किटेक्चर नहीं है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा हम आने 2016 के अगले डेटों के पेपर भी जल्दी कवर कर लेंगे। धन्यवाद।